यूपी के सीतापुर में दो दिन बाद होने वाली 84 कोसी परिक्रमा मेले को लेकर सरकारी मशीनरी अलर्ट मोड पर है। पिछले दिनों सालों से कोरोना की वजह से अन्य वर्षों की तुलना में उत्साह कम दिख रहा था। प्रशासनिक तैयारियों भी कोरोना के साए में दुबकी थी, लेकिन इस बार हालात बदले बदले नजर आ रहे हैं। आस्था के पथ पर श्रद्धालुओं के उमड़ने वाले रेले को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 84 कोसी परिक्रमा मेले में अद्भुत और अलौकिक दृश्य भी देखने को मिलते हैं। कई धूनी रमाए साधु तो कहीं राम धुन गाते श्रद्धालुओं और साधुओं का अनूठा संगम देखकर भक्ति के भाव हिलोरे मारने लगते हैं। अब इन दृश्यों को देखने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। 21 फरवरी से परिक्रमा मेले की शुरुआत हो रही है। ऐसे में कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई अव्यवस्था ना हो, इसी को लेकर पुलिस प्रशासनिक अफसर लगातार तैयारियों में जुटी है। इसी कड़ी में रविवार को सीतापुर के डीएम अनुज सिंह, एसपी गोले सुशील चंद्रभान ने नैमिषारण्य तीर्थ के गायत्री मंदिर में पुलिस ब्रीफिंग की। बैठक में डीएम अनुज सिंह ने कहा कि यह परिक्रमा धार्मिक मेला है, इस बात का जरूर ख्याल रखें कि यहां आने वाले श्रद्धालु हैं, आम पब्लिक नहीं है। ड्यूटी के दौरान उनकी भावनाओं का ध्यान रखें। जितना आप लोग काशी और मथुरा का नाम सुनते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में नैमिषारण्य अब उसी प्राथमिकता पे आ चुका है जो महत्व काशी मथुरा और बनारस का है, और यहाँ पे भी एक तीर्थ परिषद का गठन हुआ है। और इसी महत्ता को देखते हुए इस बार जो यहाँ पे त्योहार हो रहा है उसको लेके इस बार संजीदगी अधिक है, और जो तैयारी पहले हम लोग लोकल स्तर पे अपने एसडीएम साहब और सीओ साहब जो मुख्यतः देखते थे, इस बार नोडल के रूप में हम लोगों ने उसमें एडिशनल एसपी साहब और एडीएम साहब को बनाया है, और हम लोग स्वयं यहाँ पे मौजूद हर समय रहेंगे। तो मेरा इससे ये तात्पर्य है कि इस बार इस त्योहार को थोड़ा और संजीदगी से करना है, इस पे लोगों की नजर भी रहेगी, अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो वो ये कहा। एसपी सुशील चंद्रभान ने कहा कि मेले में पुलिस ड्यूटी को लेकर माइक्रो स्तर का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें परिक्रमा पड़ाव, प्रमुख दर्शनीय स्थलों, नदी और घाट के किनारे और रामा दल के 7 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। कप्तान ने उन पुलिस कर्मियों को चेतावनी भी दी कि लापरवाही पर कार्रवाई होगी, कहा कि लापरवाही की लिखित शिकायत आईजी को दी जाएगी। एसपी गोले सुशील चंद्रभान ने मीटिंग के बाद आई इंडिया से बातचीत की। बातचीत में कप्तान ने परिक्रमा मेले में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 84 कोसी परिक्रमा शुरू होने वाली है और उसको लेकर के यहाँ पर आज फोर्स की ब्रीफिंग कराई गई है। हमें इस साल अन्य ज़िलों से भी फोर्स मिला है, अपने ज़िले का भी हमने ज़्यादातर फोर्स इसमें व्यवस्थापित किया है। इसमें जो पड़ाव है, पड़ाव स्थलों पे भी हम फोर्स लगा रहे हैं। इसके अलावा जो रास्ते हैं उस पर गश्त पार्टियाँ भी लगेगी, जगह जगह जहाँ बैरियर्स है, डाइवर्जन करने की ज़रूरत है, वहाँ यातायात पुलिस को भी लगाया जा रहा है, और घाटों पर भी जल पुलिस को लगाया जा रहा है। पूरे तरीके से एक समग्र व्यवस्थापन किया जा रहा है, आवश्यकता अनुरूप जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ ड्रोन का भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे। बहुत विस्तृत तरीके से ड्यूटी चार्ट बना करके उसको लगाया गया है। आज फोर्स की ब्रीफिंग कराई गई है और यहाँ एडिशनल एसपी साउथ जो है वो और उनके सहायक मेला अधिकारी के रूप में सीओ मिश्रिक, इनको नियुक्त किया गया है। ये यहाँ पे मौजूद रहेंगे और मेले को अच्छे से करवाएंगे। तो आपने एसपी को सुना, उन्होंने इंडिया से बातचीत करते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजामों की विस्तार से जानकारी दी। वहीं एएसपी साउथ एनपी सिंह ने भी बताया कि इस बार पिछले वर्ष से 1.5 गुना ज्यादा संख्या में पुलिस बल की आमद हुई है। सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम रहेंगे, सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, वो इसका सुपरविजन करेंगे। इस दौरान एडीएम राम भरत तिवारी, एसडीएम मिश्रिक अनिल रस्तोगी, सीओ मिश्रिक सुशील यादव, मेला प्रभारी राजेश कुमार, एसओ दिग्विजय पांडे, लाइव इंस्पेक्टर सुशील वर्मा मौजूद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।